पंछी प्रज्ञा है और मेरी कविता का शीर्षक है मैं डरती हूँ। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। शत्रुओं से पराजित होने का भय नहीं मुझको, शत्रुओं से पराजित होने का भय नहीं मुझको, मैं रण क्षेत्र में स्वयं की कायरता से डरती हूँ। मृत्यु रूपी काल का भय नहीं मुझको, मृत्यु रूपी काल का भय नहीं मुझको, मैं जीवन में आई शिथिलता से डरती हूँ। मध्य सागर में ज्वार भाटे का भय नहीं मुझको, मध्य सागर में ज्वार भाटे का भय नहीं मुझको, मैं तो स्वयं के साहस रूपी नाव खोखली होने से डरती हूँ। सत्य कहकर अकेले होने का भय नहीं मुझको, सत्य कहकर अकेले होने का भय नहीं मुझको, मैं मीठा झूठ बोलने वाले की कतार से डरती हूँ। संघर्ष रूपी बाग में भ्रमर होने का भय नहीं मुझको, संघर्ष रूपी बाग में भ्रमर होने का भय नहीं मुझको, मैं शैतान होते कुछ मनुष्य की प्रवृत्ति से डरती हूँ। विद्याधन पास है मेरे निर्धन होने का भय नहीं मुझको, विद्याधन पास है मेरे निर्धन होने का भय नहीं मुझको, मैं निर्धन के मुख से निवाला छीनने वाले कुछ अमीरों से डरती हूँ। कड़वे वचन कुछ सटीक वाक्य का भय नहीं मुझको, कड़वे वचन कुछ सटीक वाक्य का भय नहीं मुझको, मैं मुंह में राम बगल में छुरा वाले कुछ मुखौटों से डरती हूँ। स्वाभिमान सम्मान नष्ट होने का भय नहीं मुझको, स्वाभिमान सम्मान नष्ट होने का भय नहीं मुझको, मैं धन से तौलने वाले लोभी ससुराल से डरती हूँ। दो बिछुए एक नथ वो सिंदूर का भय नहीं मुझको, दो बिछुए एक नथ वो सिंदूर का भय नहीं मुझको, मैं तो दहेज रूपी सर्प के दंश से डरती हूँ। आखिरी कुछ पंक्तियाँ हैं। अन्य भाषाओं के उन्नत होने का भय नहीं मुझको, अन्य भाषाओं के उन्नत होने का भय नहीं मुझको, मैं तो देश की शान हिंदी के विलुप्त होने से डरती हूँ। रचित इन रचनाओं में आलोचना का भय नहीं मुझको, रचित इन रचनाओं में आलोचना का भय नहीं मुझको, मैं मेरी इस सोच पर कुछ बुद्धिजीवियों के कटाक्ष से डरती हूँ।